हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्पीड विवेक, मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज किस वीडियो हम देखने जा रहे हैं, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है दोस्तों, उसमें हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आप रखो, प्रॉफिट लॉस का एक कि टॉपिक आपको बेईमान दुकानदार पे दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पे। तो ये देखिएगा वीडियो, आपको आने वाला एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। प्रॉफिट लॉस का होगा, बेईमान दुकानदार का, कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जाम यदि आपका बच्चा हो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख के जाइए, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला आपको, ठीक है। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन आया हुआ कि एक बेईमान दुकानदार चीनी को 18 रुपए प्रति केजी में बेचता है, जिसे उसने 15 रुपए प्रति केजी में खरीदा है, और वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह आपका एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां से सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ठीक है। कहता कि एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, परंतु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ध्यान दीजिए, दुकानदार क्या बोल रहा है कि हम जितना में खरीदे उतना ही आपको दे रहे हैं, हमको कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों, फिर भी वो लाभ कमाता है। कहां से लाभ कमाएगा दोस्तों, ध्यान देखिएगा, जब भी बेईमानी करेगा हमेशा लाभ होगा, इस थ्योरी को याद रखिएगा। बेईमानी जब भी करेगा हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। बेईमानी करेगा तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। इस थ्योरी को याद रखिएगा, बेईमानी करेगा तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा ही, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या बोला कि 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या हो गया आपको, 1 केजी का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। इसके स्थान पर उन्होंने कितना ग्राम का प्रयोग किया, 900 ग्राम का प्रयोग किया। तो ये बताइए कि उन्होंने कितना ग्राम का बेनिफिट, मुनाफा कमाया, 100 ग्राम का बेनिफिट कमाया। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए, 1000 ग्राम था, उसने कितना का प्रयोग किया, 900 ग्राम का प्रयोग किया। तो 900 से 1000 हम जाएंगे, कितना ग्राम का हमको फायदा हुआ, दुकानदार को कितना हुआ, 1000 ग्राम का फायदा हुआ। तो यहां से हम बता सकते हैं ना, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है। एसपी का मतलब क्या हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य होगा। क्यों, जब हमेशा जब लाभ होता है ना, जब लाभ होता है दोस्तों ना, जब लाभ होता है ना, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होता ही है, उसके बाद हमेशा क्या हो गया, एसपी हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जब लाभ होगा तो हमेशा एसपी हमेशा क्या होगा, सीपी से ज्यादा होगा। तो जब आप 900 ग्राम से 1000 ग्राम गए, कितना का मुनाफा हुआ आपको, 100 ग्राम का मुनाफा हुआ। इसका मतलब ये क्रय मूल्य होगा, ये कितना होगा आपको, विक्रय मूल्य होगा। पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको ज्ञात नहीं करना है, घटाने के बाद जो छोटा होगा वो सीपी होगा, जो बड़ा होगा क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा। तो 1000 ग्राम का हमको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। यहां से प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं आप, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बट्टे हो जाएगा आपको क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना आपको 900 है, या 900 कर दीजिए, ये 0 0 काट दीजिए, कितना हो गया आपको, 100 बट्टे कितना हो गया आपको, 9 हो गया। तो 11.1/9%, ठीक है, या तो 11.11% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं सही। कहते कि एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए अब यहां पे देखिए, लाभ प्रतिशत कितना होगा इसका, 1 केजी के स्थान पर मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर उन्होंने कितना ग्राम का प्रयोग किया, 880 ग्राम का वजन का प्रयोग किया। तो अब ये बताइए कि कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ इसको, ग्राम में कितना हो गया, 120 ग्राम हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ 100 या लाभ हमारा कितना हो गया, 120 ग्राम हो गया। अब प्रतिशत हम लाभ क्या निकाल सकते हैं यहां से, प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 880 हो गया। कितना हो गया, 880 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया दोस्तों, ठीक है। आप इसको काटेंगे, 22 चौका कितना हो गया, 88 हो गया, ठीक है। 30 चौका 120 हो जाएगा, 15 2 9 30 हो जाएगा, 11 2 9 22 हो गया, ठीक है। तो 150 बटे कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। 150 बटे कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 11 के 11 हो गया, ठीक है। 4 बचा 11 33 13.7/11% ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 13.7/11% का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13.7/11% का आपका हमारा लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Eh
देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अब देखिए कि देखिए जब आपको दुकान पे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो जो बेईमानी कर रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा है, वो तो पता नहीं चला, वो तो छिपा हुआ है, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने क्या बोला कि 1 kg के स्थान पर 1 kg मतलब 1000 जो ग्राम है इसके स्थान पर कितना वाट का प्रयोग करता है, वो 900 वाट का प्रयोग करता है। और लेकिन उन्होंने जो लाभ लिया है दोस्तों किस पे, आपको जो लाभ दिया है, लाभ जो लिया है उन्होंने दुकानदार किस पे लिया है, इसी पे 1000 ग्राम पे ना 10% का लाभ लिया है। तो कितना पे लिया आपको, 10% पे लाभ पे लिया है। तो वो बेचा कितना में दोस्तों, जब 1000 ग्राम पे 10% का लाभ लिया तो बेचा कितना में है दोस्तों, बेचा कितना हो जाएगा आपको, 1000 का 110% हो जाएगा, 110%। इसका मतलब कितना में बेचा वो, 1100 में बेचा, कितना में बेचा, 1100 में बेचा। खरीदा देखिए, ये देखिए 900 ग्राम का जो वजन का प्रयोग करता है दोस्तों, बेचा 1100 में, तो यही ना सीपी है आपका, ठीक है, यही आपका सीपी है, क्योंकि 900 ग्राम के स्थान पे 1000 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उन्होंने 1000 पर ही 10% का लाभ कमाया। तो बेचा वो कितना में, 1100 ग्राम में बेचा, ठीक है, और सीपी आपका यहाँ पे कितना आपको 900 है। ये बताइए जब 900 में खरीदे बेचे 1100 में कितना का आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों आपको, 200 का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। अब प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200 बट्टे कितना हो गया आपको, 200 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा, 200 बट्टे 900 गुना कितना हो गया आपको 100, ठीक है। इसको काटेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, ये 00 काट दीजिए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 9 दुनी 18 2/9%, ठीक है, 22.2/9% हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, फिर हम जो पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका 100% बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपका है ना ये छिपा हुआ रहता है, ये हमको पता ही नहीं है कि बेईमानी कितना किया है, लेकिन आप तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में तो दे दिया 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है 1 kg के स्थान पर, इसका तब ये हमारा सीपी हो गया। वो बेचा कितना में, 1100 में बेचा है, यही हमारा 22.9% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब उसी टाइप का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दुकानदार क्या बोला है कि हमने लॉस पे आपको हम सामान दे रहे हैं, ठीक है, लॉस पे आपको दे रहे हैं सामान, 6% हानि बच के दे रहे हैं, लेकिन हानि पे नहीं दे रहा, लेकिन बेईमानी कर रहा है। कहां बेईमानी कर रहा है आपको, वहां पे वाट में बेईमानी कर रहा है, ठीक है, कहां पे, जैसे मान कर चलिए आपका 1000 के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग कर रहा है, वो 900 ग्राम का वाट का प्रयोग कर रहा है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे, लेकिन बोला कि हमको 6% हानि पे बेच रहे हैं, इसका मतलब 6% हानि पे बेच रहा है दोस्तों, क्या बेच रहा है आपको, 6% हानि पे बेच रहा है। 6% जब हानि पे बेच रहा है तो कितना ग्राम बेचेगा ये हो जाएगा आपको 1000 का कितना हो जाएगा आपको 96%, कितना हो जाएगा हमारा 96%, 00 काट दीजिए, कितना हो गया हमारा 960 हो गया, कितना हो गया हमारा 960 हो गया, चूंकि 6% का हानि हो रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अब देखिए क्या बोला कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितना प्रयोग करता है, वो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। अब यहाँ पे देखिए तो उसने कितना का यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको जो लॉस हुआ है कितना लॉस पे बेचा हुआ दोस्तों, ये 6% के लॉस पे बेचा है, 6% के लॉस पे बेचा है, 6% हानि पे बेचा है। तो ध्यान दीजिएगा जब ये दुकानदार क्या बोला कि 6% हानि पे आपको सामान दे रहे हैं तो बेईमानी करके वो बेनिफिट कमा रहा है, 6% हानि तो दे रहा है आपको दिखा कर, लेकिन छुपा के वो क्या कर रहा है कि वाट में कमी करके आपको वो बुड़वक बना रहा है, ठीक है। तो कितना का बुड़वक बनाया, वो बेचा कितना में दोस्तों, 6% जब हानि होगा तो 1000 गुना कितना हो गया हमारा, 1000 का 94% है ना, 94%,
ठीक है, 0-0 काट दिया, कितना हो गया 940 हो गया, ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। लेकिन बेवानी यहां कितना 100 ग्राम का बेवानी कर रहा था, लेकिन यहां पे बेचा 940, तो बेनिफिट देखिए कितना हो गया। ये जो हमारा सीपी होगा दोस्तों, ये 900 ग्राम सीपी हो गया। आप देखिए बेचा 940 में सीपी 900 है, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, यहां पे प्रॉफिट कितना का हो गया 40 का हो गया। प्रतिशत यहां से प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 40/ कितना हो जाएगा हमारा 900 होगा गुना 100, ठीक है। ये 200 काट दीजिए, 9 × 36 4.4/9% हमारा आंसर हो जाएगा, 4.4/9 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना एग्जाम में, यदि ये पूछता है दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 40% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 kg के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितना का वाट का प्रयोग किया, वो 840 ग्राम का वाट का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने इस पे बोला कि हमको हानि हुआ। कितना परसेंट का हानि हुआ दोस्तों, आपको 4% का हानि हुआ। तो एसपी हमारा यहां से जो बेचा वो आपको दिखा के वो कितना में बेचा आपको, 1000 का कितना हो जाएगा आपको 96%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0-0 कट गया, कितना हो गया आपको 960 हो गया। क्या हो गया 960 में, वो क्या किया आपको दिखा के बेचा कि 960 में बेच रहे हैं, लेकिन यहां जो बेवानी किया देखिए, यहां बेवानी जो किया है, ठीक है, बेवानी किया तो चूंकि सीपी हमारा ये हो गया, आप 840 में खरीदे बेचे 960 में, कितना का प्रॉफिट हो गया, कितना का प्रॉफिट हो गया 960 में 840 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 × 4 का कितना हो गया तो 120 ग्राम का उन्होंने बेनिफिट कमाया। हानि के बावजूद भी उन्होंने 120 ग्राम का बेनिफिट कमाया, तो यहां से प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 / कितना हो जाएगा आपको 840 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, परसेंटेज हमारा आ जाएगा 0-0 हो गया आपको, 21 × 84 हो गया, 40 × 3 कितना हो गया आपको 21 × 84 हो गया, 30 × 3 120 हो गया, ठीक है, 30 × 120 हो गया, 7 × 21 हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 14.2/7% का लाभ हो जाएगा, 14.2/7 ऑप्शन नंबर ए। हमेशा दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा लाभ ही होता है, चूंकि बेमानी कर रहा तो हमेशा लाभ होगा ही, ठीक है। अब हम आते हैं आपके एग्जाम की प्रश्न वाला प्रश्न की तरफ, जो आपका क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछा है दोस्तों, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए आपका एग्जाम का ये क्वेश्चन आपके सामने में है, देखिए आराम से इसको बना सकते हैं। कहता है एक बेईमान दुकानदार चीनी को 18 रुपया प्रति केजी में बेचता है, जिसे उसने 15 रुपया प्रति केजी में खरीदा है, वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, चाहे क्या कहता है कि 1000 जो ग्राम है इसके स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग करता है, वो 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, ठीक है, 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। लेकिन उन्होंने बेचा था सामान 18 रुपए प्रति केजी और खरीदा था कितना में 15 रुपए प्रति केजी, यहां से प्रॉफिट इसको कितना का हो गया 3 का हो गया। प्रतिशत प्रॉफिट निकाल लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 × 100 कितना हो गया आपको 15 हो गया, ये 3 × 15 हो गया, 20 × 25 100 हो गया, 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट वो कमा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 1000 ग्राम पे उन्होंने कितना का प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट कमाया 20% का, ठीक है। तो बेचा होगा कितना में, ये 1000 गुना 120 कितना हो गया आपको 100 हो गया, 0-0 काट दीजिए कितना हो गया आपको 1200 हो गया, ठीक है। अब देखिए बेचा 1200 में, आपको उन्होंने वाट का जो प्रयोग किया ये सीपी है हमारा, सीपी कितना हो गया 800 ग्राम है, बेचा 1200 ग्राम, ठीक है, तो कितना का बेनिफिट हुआ दोस्तों आपको, लगभग आपका मतलब पूरा का पूरा 400 ग्राम का बेनिफिट कमा लिया। अब यहां से प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 × 100 / 800 काट दीजिए, 4 × 2 = 8 हो गया 50, 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या है क्वेश्चन। एक मेहमान दुकानदार चीनी को 30 रुपए प्रति केजी में बेचता है, जिसे उसने 25 रुपए प्रति केजी में खरीदा है, वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।